नमस्कार, एएस न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में जहां आज कोरोना संकट से जूझते गाजीपुर को गुजरात से आए एक समाजसेवी युवक संजय राय शेरपुरिया ने 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिलाधिकारी के माध्यम से जनपद के मरीजों के लिए भेंट किया है। आज मंगलवार को जिलाधिकारी गाजीपुर के कैंप कार्यालय में समाजसेवी संजय राय 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और उसमें लगने वाले रेगुलेटर और उपकरणों के साथ पहुंचे और जिलाधिकारी को एक कंसंट्रेटर खोलकर दिखाया और उनके हाथों में भेंट स्वरूप दिया। इस अवसर पर संजय राय ने गाजीपुर पत्रकार एसोसिएशन को भी एक कंसंट्रेटर भेंट किया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने उनके इस कार्य के लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनके कार्यों की प्रशंसा की और जनपद वासियों से अपील की कि समाज से इस तरह की मदद आने से हम सबका हौसला बढ़ता है। वहीं संजय राय ने बताया कि वो अपने गृह जनपद को एक पूर्ण विकसित जनपद के रूप में देखने का सपना लेकर आए हैं और हर हाथ को रोजगार के तहत वे यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर नाम की संस्था के तहत गृह जनपद गाजीपुर में आए हैं और संस्था की नींव भी रखे हैं। वह गाजीपुर में गुजरात के सोसाइटी मॉडल कल्चर के माध्यम से यहां विकास करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी संस्था के माध्यम से इस कोरोना काल में टेलीमेडिसिन की एक वैन और एम्बुलेंस 10,000 जांच किट और मेडिसिन किट के साथ 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आज भेंट में लिया है और जल्द ही 40 बेड का एक कोरोना वार्ड बनाने जा रहे हैं। संजय राय शेरपुरिया द्वारा पूर्व में ऑक्सीजन सिलेंडर युक्त और वेंटिलेटर युक्त एक टेलीमेडिसिन वैन और एम्बुलेंस चलाई जा रही है जो सुर्खियों में है। आज जिलाधिकारी के माध्यम से गाजीपुर जनपद के जिला अस्पताल और मरीजों के लिए उनके द्वारा दिए गए 50 कंसंट्रेटर भी सुर्खियों में हैं। देखिए, ये देश हम लोगों का है और जैसे कि आप जानते हैं मैं शेरपुर गांव का रहने वाला हूं। हमारे बाप दादा ने देश की आज़ादी में, इस देश की संरचना में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम उस वीर धरती के रहने वाले जहाँ पे घर घर के अंदर देशभक्ति की भावना भरी हुई है। हमारे गाँव के लोग फौज के अंदर बहुत ज़्यादा है। आज से 75 साल पहले हमारे पूर्वजों ने जनपद को छोड़ दिया और जाकर के आसाम फिर गुजरात में जाके क्रम से रहने लगे, तो हमने ऐसी आपदाएं बहुत नज़दीक से देखी है। साइक्लोन हो, अर्थक्वेक हो या राइड्स हो, उसमें जन भागीदारी का बहुत बड़ा रोल होता है। और जब हम यहाँ पे सेंटर फॉर एक्सलेंस का काम पिछले एक साल से शुरू किए हैं तो मेरा दायित्व बनता है, इस माटी का लाल होने के नाते ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम यहाँ पर जो प्रशासन काम कर रहा है उसमें किस तरीके से अपना कंधे को लगाकर और उनको मजबूत करेंगे। और यहाँ के प्रशासन ने जो काम किया है बहुत ही सराहनीय है। हमें जब जब जो जो बातें कही और उस तरीके से किया गया, सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के समय में जान को बचाना, और जो लोग यहाँ से रेफर होकर बनारस जाते हैं शायद वो लगभग रस्ते में रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत बड़ी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। जैसे कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन मशीन है, पाइप है, प्रशासन अपने लेवल पर काम कर रहा है क्योंकि राष्ट्रीय आपदा है, किसी एक जगह का नहीं है। तो हर जगह पे जो बनाने बनता कहीं पे कंजम्पशन कहीं पे है, उसकी वजह से डिमांड और सप्लाई का गैप हो गया है। तो उसको देखते हुए हमारी संस्था ने इसको इंपोर्ट किया है और आगे चल करके डीएम साहब के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे 50 बेड का कोविड हॉस्पिटल यहाँ ट्रॉमा सेंटर के अंदर डेवलप करेंगे। हम टारगेट कर रहे हैं मैक्सिमम 2 से 3 हफ्ते में बन जाए और वहाँ पे 10 मीटर क्यूब का इन हाउस ऑक्सीजन प्लांट होगा। प्रशासन का जो प्लांट है उसको हम और स्ट्रेंथनिंग कर देंगे। 20 मीटर क्यूब का प्लांट और इन पाइपलाइन में है जो इस महीने के आखिरी में आ जाएगा, जो जिला के अन्य जगहों पे काम कर हम लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं ये ब्लॉक लेवल पे तहसील स्तर पे इसका उपचार हो जाए ताकि जो लोग तहसील से जिले में आते हैं, जिले से बड़े शहर में जाते हैं, रुक जाए। वो सिस्टम जब डेवलप हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो घटनाएँ घट रही है वो कम हो जाएगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो भी लोग गाजीपुर से जिला से बाहर रहते हैं, बम्बई में हैं, दिल्ली में हैं, चेन्नई में, हैदराबाद में, गुजरात में हैं, वो सब लोग अगर जन भागीदारी का काम करेंगे तो यहाँ पे प्रशासन को और मजबूती मिलेगी और जो प्रशासन काम कर रहा है उसमें उनको सहूलियत हो जाएगी। हमारे थोड़े छोटे 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 प्रयोग से लोगों के जान माल की बचाओ। देखिए, इस समय कोविड-19 की महामारी, इसका सेकंड फेज से सबको बहुत सारे लोग संक्रमित हो रहे हैं। इस दौरान जनपद के श्री संजय राय जी ने बहुत मदद की है। आपने देखा भी कि उन्होंने इस जनपद के लिए कोविड पेशेंट्स के लिए जनपद जिला चिकित्सालय के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, नेबुलाइजर, रेगुलेटर्स दिया है और वो आईसीयू बेड्स और कोविड पेशेंट्स के लिए जिला अस्पताल में रखे जाने वाले बेड्स भी देने वाले हैं। हम जिला प्रशासन की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं और भी लोगों से अपील करते हैं कि वो इस महामारी के समय में यदि वो जिला प्रशासन और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग गाजीपुर की मदद करना चाहते हैं तो आगे आएं और मदद करें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं।